ओएलएक्स पेटीएम द्वारा ठगी करने वाले टटलू को गोवर्धन पुलिस ने भेजा जेल। कोरोना काल में पुलिस विभाग को एक साथ कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ रहा है। एक ओर जहां पुलिस कर्मियों को जनता के बीच जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में थाना गोवर्धन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जब पेटीएम ओएलएक्स फोन पे आदि माध्यमों से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले टटलू गिरोह के सदस्य को पुलिस ने चोरी की बुलेट, मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सूचना के मुताबिक पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि 2 व्यक्ति जिनके पास चोरी की मोटरसाइकिल है, नीम गांव बाईपास पर किसी के इंतजार में खड़े हैं। पुलिस के पहुंचने पर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने थाना प्रभारी लोकेश सिंह भाटी, उप निरीक्षक सोनू भाटी, सोनू सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ दबिश देकर एक व्यक्ति को नीम गांव फाटक से राधा कुंड की तरफ जाने वाले बाईपास मार्ग पर पकड़ लिया और एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए व्यक्ति का नाम राहुल खान पुत्र जाकिर खान निवासी देवसेरस थाना गोवर्धन बताया गया, जिसके कब्जे से विभिन्न कंपनी के 5 मोबाइल, एक चोरी की बुलेट, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। राहुल खान ने बताया कि वह अपने पिता के साथ मिलकर इन मोबाइल का इस्तेमाल ऑनलाइन धोखाधड़ी और ठगी के लिए करता है। इस संबंध में थाना गोवर्धन पर अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।